सो हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी काइंड मास्टर ऐप की। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उसमें वाटरमार्क आ जाएगा, तो इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद काइंड मास्टर में आ जाना। बट उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके सेट वाला बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। गाइस, सबसे पहला काम आपको करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आप वीडियो को मिस कर दोगे और बहुत सारे पार्ट्स को मिस कर पाओगे, उसके बाद आप वीडियो नहीं बना पाओगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से लगे एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको काइंड मास्टर में आने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 16:9 का साइज को सिलेक्ट कर लेना है, मीडियम क्लिक करना है और बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, इसका लेंथ बढ़ा देना है अपनी वीडियो के हिसाब से। उसके बाद क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है कमिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, कमिंग लिखने के बाद इसका साइज बढ़ा देना है, साइज बढ़ाने के बाद इसको ऊपर साइड करना है और रख देना है, फिर लेयर पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिख देना है सुन। तो यहाँ से मैंने सुन लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपको लिख देना है, इसको लिखने के बाद यहाँ से इस प्रकार से एडजस्ट करना है और कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक सुन में क्लिक करना है, सुन पे, और ग्लो पे क्लिक कर देना और इसका जो कलर है उसको ब्लैक कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने कर दिया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ फ़ोन में दिखाई दे रहा है और आपको ये जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले है, ये जो अलग अलग फ़ोन डाउनलोड किया गया है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो अगर डाउनलोड करना नहीं है तो यहाँ एंड्रॉइड दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारा फ़ॉन्ट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैंने ऐड कर लिया है और कुछ ये वाला फ़ोन भी मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से और सेम फ़ोन दोनों में डाल देता हूँ। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से मैंने ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो। ऐसे आप ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद आपको पहले देखना है कि आपको कमिंग सून कहाँ पर रखना है। 2 सेकेंड मेरे को रखना है, 2 सेकेंड तक दोनों को मैं ट्रिम कर देता हूँ और आपको भी ट्रिम कर देना है। तो यहाँ से मैं दोनों को ट्रिम कर देता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, कमिंग को इस साइड घिसकाना है और सुन को इस साइड घिसकाना है कुछ इस प्रकार से। फिर क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं आया 0.9 सेकेंड में, तो यहाँ पे क्लिक करना है, चाबी पे क्लिक करना है और कमिंग को घींच के इधर लेके आ जाना है और सुन को क्लिक करना है, चाबी पे क्लिक करना है और सुन को भी घींच के इधर लेके आ जाना है कुछ इस प्रकार से। फिर एंड में क्लिक करना है, दोनों का एंड में, इन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेकर जाना है कमिंग को बीच में और सुन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ चाबी पे क्लिक करना है, इसको भी लेकर जाना है बीच में कुछ इस प्रकार से। ये ऐड हो गया, आप लोग देख, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हो गया कमिंग सुन। उसके बाद क्या लिखना है, इन एडवांस, जैसे मेरे को लिखना है इन एडवांस, तो इन एडवांस मैं लिख देता हूँ इन एडवांस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एडवांस, उसके बाद इसका साइज बढ़ा देता हूँ, साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पर फिर से मैं फ़ोन को ऐड कर देता हूँ, कोई सा भी फ़ोन ऐड कर लिया और यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से मेरे को रखना है कुछ इतना रखना है इसको 3 सेकंड तक। तो यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको ऊपर लेके आ जाना है और यहाँ पे चाबी क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस अगेन प्लस पे क्लिक करना है और इसको नीचे खींच के लेके आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको, सॉरी गाइस, फिर इन में क्लिक करना है, चाबी क्लिक करना है और इसको नीचे के साइड लेके चले जाना है, या कि ये ऊपर से नीचे ख़त्म हो जाए। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इन एडवांस, अगर आप इसको नीचे नहीं ले जाना चाहते हो, आपको रखना है बीच में, तो यहाँ से नीचे वाला क्लिक करना है और यहाँ से इसको बीच में लेके आके बिठा देना है। यहाँ से कुछ इस प्रकार के ये बैठ गया, आप लोग देख सकते हो, और कुछ इस प्रकार से बन चुकी है। अब आपको लिखना है हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ पहले एच ए हैप्पी, यहाँ से मैंने लिख दिया है और ऊपर के साइड उसको घिसका दिया है और यहाँ से नीचे लिख देता हूँ बर्थडे। आप लोगों को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो यहाँ से मैंने बर्थडे लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। इसका फ़ोन में जाना है आपको, फिर से दोनों में फ़ोन ऐड कर लेना, जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ और ताकि आपको लेट ना लगे, टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से मैंने फ़ोन को ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, नीचे पे नीचे वाले पे क्लिक करना है और इसका जो ग्लो है, यहाँ ग्लो दिखाई दे रहा है, ग्लो पे क्लिक करना है और इसको ब्लैक कर देना है और आउटलाइन को भी क्लिक करना है, उसको भी ब्लैक कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, बर्थडे को ऊपर भेजाना है हैप्पी के ऊपर कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से मैंने ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो दोनों को। उसके बाद क्या करना है, बर्थडे को इस साइड घिसकाना है और हैप्पी को इस साइड घिसकाना है और सेम प्रोसेस करना है वही चाबी वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस चाबी पे क्लिक करना है और हैप्पी को यहाँ पे लेके आना है और फिर से बर्थडे पे क्लिक करना है, चाबी पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेके आ जाना है। और इस की से बहुत ही बड़ा काम होने वाला है, इस की के द्वारा बहुत ही अच्छे काम कर सकते हो आप। इसको फिर से बीच में लेके आ जाना है, फिर से इस पर क्लिक करना और इस की पर क्लिक करना और इसको बीच में लेके आ जाना है इस प्रकार से। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ जो इन दिखाई दे रहा होगा, इन पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा ऊपर साइड कर देना है यहाँ पे, अब आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको,
यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है, जो आपका इमेज है अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको भी अपनी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इमेज सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है साइज बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से, अपने हिसाब से साइज बढ़ा देना। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ आपको दिखा देगा ब्लेंडिंग और इसको मल्टीप्लाई कर देना है कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हो। और जहाँ तक ये आपका हैप्पी बर्थडे है वहाँ तक इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से उसका अपनी इमेज का लेंथ बढ़ा देना है। लेंथ बढ़ाने के बाद जहाँ पे आपका बर्थडे लिखा हुआ खत्म हो गया वहाँ पे एक कट लगा देना है बीच में। कट लगाने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग था उसको नॉर्मल कर देना है। नॉर्मल करने के बाद इसका जो ओवर इल्यूमिनेशन है इसको फ्लिकर कर देना है कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और ये जो लाइट इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। पहले ऐड करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक कर देना है और इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसको ब्लेंड कर देना है, ऑन कर देना है। तो यहाँ से इस प्रकार के बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, एक और इफेक्ट का लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको भी यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसका साइज बढ़ा देना है, साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन कर देना है कुछ इस प्रकार की आपकी वीडियो बन गई है, आप लोग देख सकते हो। ऑडियो क्लिक करना है, अगर आपको ऑडियो ऐड करना है अगर हैप्पी बर्थडे वाला तो कोई भी ऐड कर सकते हो। वैसे मेरे पास कोई ऑडियो है नहीं जो मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ से आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद कुछ नहीं करना, शेयर के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा 720p 30 फ्रेम रेट पे अपनी वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। इसमें ये होगा कि आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा रहेगा और MB भी ये कम लेगा। तो गाइस यही आज का वीडियो, आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आप इस प्रकार की वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हो। गाइस मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।